नमस्कार, स्वागत है आपका एच सी एन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। चलिए ले चलते हैं देश और विदेश की बड़ी और अहम खबरों की तरफ। लौट आया लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक सब कुछ रहेगा बंद। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मामलों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। वसूली कांड पर सचिन वाजे का बड़ा खुलासा। देशमुख ने बहाली के लिए मांगे थे 2 करोड़। सचिन वाजे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर आरोप लगाए हैं। कि उन्होंने उनकी बहाली के एवज में उनसे 2 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी। NIA को दिए गए लिखित बयान में सचिन वाजे ने आरोप लगाया है। कूचबिहार में बीजेपी पर ममता का तंज। सांसद अब विधानसभा लड़ रहे, कल पार्षद का भी चुनाव लड़ेंगे। चुनावी रैली में बीजेपी पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जो सांसद बने वो अब विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद वे पार्षद चुनाव, पंचायत चुनाव और फिर क्लब चुनाव भी लड़ेंगे। बिहार यूपी के लोगों के लिए रेलवे ने किया स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। आज से करें टिकट बुक। मुंबई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया। इस ट्रेनों में कंफर्म टिकट वाले ही यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी। कार में अकेले हो तो भी मास्क जरूरी। बढ़ते कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है। बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिए हैं। त्रिपुरा के CM बिप्लव देव और बीजेपी नेता सुनील बंसल कोरोना पॉजिटिव। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव भी कोरोना संक्रमित हो गए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भारत से चीनी लेने से पाकिस्तान ने किया मना। अमेरिका बोला हम कुछ नहीं कहेंगे। अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम मसलों पर सीधी बातचीत के लिए प्रोत्साहित करेगा। हालांकि अमेरिका के गृह मंत्रालय ने भारत से चीनी और कपास के आयात नहीं करने के पाकिस्तान सरकार के फैसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मधुबनी हत्याकांड में नीतीश कुमार पर बरसे तेजस्वी। कहा न्याय के साथ विकास नहीं, अन्याय के साथ विनाश हो रहा। तेजस्वी यादव ने कहा ये नरसंहार है। मैं पीड़िता परिवार की बात सुनकर हैरान हूँ कि घटना कैसे हुई। पूरे गांव में डर का माहौल है। हत्या के बाद भी शरीर को काटा गया। इस नरसंहार में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। रावण सेना चलाने वाले प्रवीण झा को पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा का संरक्षण मिला हुआ है। मुंबई पुलिस में कैसे और क्यों हुई सचिन वाजे की वापसी। कमिश्नर ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। सचिन वाजे की मुंबई पुलिस में वापसी पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। अब मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर हेमंत नगराले ने सचिन वाजे की वापसी को लेकर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट की है। अब सिंगूर में महासंग्राम। अमित शाह कर रहे मेगा रोड शो। बंगाल के महासंग्राम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से पहुंचे बंगाल। शाह बंगाल के सिंगूर में रोड शो कर रहे हैं। आज उनके कई कार्यक्रम भी हैं। ओवैसी के मिशन बंगाल पर रोक। मुर्शिदाबाद में होने वाली रैली की परमिशन रद्द। बंगाल के चुनावी दंगल में एंट्री मारने वाले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को झटका लगा है। दावा है कि आज ही मुर्शिदाबाद के भरतपुर में होने वाली ओवैसी की रैली की परमिशन खारिज कर दी गई है। कोरोना अपडेट। पहले से ही खतरनाक है ये लहर। बच्चे, युवा, गर्भवती महिलाएं हो रहे शिकार। एक्सपर्ट की चेतावनी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि इस बार बीमार होने वालों में सबसे अधिक संख्या युवाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सिर्फ 3 दिन का वैक्सीन स्टॉक। आंध्र ने भी मांगे 1 करोड़ डोज। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर कई राज्यों ने चिंता जताई है। महाराष्ट्र का कहना है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का वैक्सीन स्टॉक है, जबकि आंध्र प्रदेश ने भी केंद्र से तुरंत 1 करोड़ डोज की मांग रखी है। हालांकि केंद्र का कहना है कि किसी राज्य को वैक्सीन की कमी नहीं आने दी जाएगी। बांदा जेल पहुंचते ही व्हीलचेयर से उतरा मुख्तार अंसारी बैरक में खुद चलकर पहुंचा। रोपट जेल से मोहाली कोर्ट तक व्हीलचेयर पर बैठकर जाने वाला मुख्तार अंसारी जैसे ही बांदा जेल पहुंचा, वो बैरक के अंदर खुद चलकर गया। कल तक व्हीलचेयर और बीमारी की बात करने वाला मुख्तार अंसारी आज सुबह चलकर बैरक में गया। ये बात सभी को हैरान कर रही है। वेदर अपडेट्स। बदल रहा मौसम। हिमाचल में बर्फबारी, पंजाब हरियाणा में आंधी, बारिश के आसार। मौसम विभाग IMD के अनुसार पश्चिम हिमालय के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल और आसपास के इलाकों में आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। मुकेश अंबानी ने छीन लिया जैक मा का ताज। भारत में बढ़े अरबपति। फोर्ब्स मैगजीन की नई सूची के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 140 तक पहुंच गई है। अब दुनिया में भारत से सबसे ज्यादा अरबपति सिर्फ अमेरिका और चीन में है।
जीडीपी में 10.5% बढ़त का अनुमान। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंता जरूर पैदा करते हैं, लेकिन इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। वैक्सीनेशन जैसे कदमों की वजह से भारत इस तरह की चुनौती से निपटने को तैयार है। पंजाब के सभी जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू, राजनीतिक रैलियों पर भी प्रतिबंध। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 30 अप्रैल तक सभी राजनीतिक रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है और कहा है कि अगर कोई नेता उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ डीएमए और महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। भारत संघ शांति को तड़प रहे पाकिस्तान सेना प्रमुख बाजवा, जल्द मिल सकते हैं पीएम मोदी और इमरान खान। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जल्द मुलाकात कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की शुरुआत पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने की, जो सैन्य तनाव से हो रहे खर्च से परेशान है। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे एग्जाम वॉरियर्स के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा का नया सेगमेंट ला रहे हैं। प्रधानमंत्री बुधवार को शाम 7 बजे बच्चों को परीक्षा के तनाव से बचने का मंत्र देंगे। लड़ाकू विमान राफेल खरीद मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर सक्रिय हो गए हैं। राहुल ने फ्रांस में बिचौलियों को लेकर कुछ खुलासे किए, दार्शनिक अंदाज में ट्वीट कर इशारों में मोदी सरकार पर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में सीआरपीएफ के राकेश्वर नक्सलियों की गिरफ्त में, परिवार ने की पीएम मोदी से भावुक अपील। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सत्र की शुरुआत होने में 2 दिन बाकी है, ऐसे में खिताब पर कब्जा करने के लिए सभी टीम जमकर अभ्यास कर रही है। इस बार बीसीसीआई शेड्यूल के मुताबिक कोई भी आईपीएल टीम अपने घरेलू मैदान पर नहीं खेलेगी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इन दिनों इंग्लैंड में हैं और अपनी सर्जरी के बाद आराम कर रहे हैं। वह फिलहाल आईपीएल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और घर से ही अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स का समर्थन कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर ने चर्चित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की उस ट्वीट की निंदा की जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अनुष्का ने बांधे हाथ और विराट को उठा लिया, कोहली बोले ओ तेरी, वायरल हुआ वीडियो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर अनुष्का अपने पति विराट कोहली को उठाने की कोशिश कर रही है। वे एक नहीं दो बार विराट को उठा लेती हैं। ये तो थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, इजाजत लेते हैं आपसे, तब तक के लिए देखते रहे एचसी न्यूज़। धन्यवाद।